पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल दी नेल गैलेक्सी। सो हम करने वाले बबल नेल्स जो कि बबल इफेक्ट में होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए शैम्पू। आप एनी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद चाहिए नेल पॉलिश। तो मैंने यहाँ पे ग्लीमर क्रोम इफेक्ट वाली नेल पॉलिश ली है। एंड एक टिश्यू आप जरूर से ले लेना। देन कोई ऐसे इस टाइप का ब्रश आपको चाहिए। एंड कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं कि जिसमें आप झाग रख सकते हैं। ओके, एंड एक रिमूवर भी आप रख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। अब हम नेल आर्ट के इफेक्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक टिश्यू रख लीजिए। देन मैंने यहाँ पे झाग थोड़ी सी बना रखी है, आप भी बना लीजिए। झाग बनाने के लिए आप जैसे भी हैंड वॉश करते हो उस तरह से आप कर सकते हो, जैसे झाग बन जाती है तो आप इस कंटेनर में ले लीजिए। ओके, तो उसके बाद हम फिर तो हम पहले सबसे पहले हमने बेस कोट लगा लिया है। हम अप्लाई करेंगे नेल पॉलिश। ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा सा उसको ऐसे थिक टाइप रखना है। एंड जो साइड पे भी लगी हम क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हम जो ब्रश को यूज़ लेके उस इस बबल्स को लेके इस पर इस तरह से रख देना है। हमने रख दिया है। अब इसका वेट करना है जब तक कि अपने आप ही सूख नहीं जाते हैं बबल्स। सो एंड गाइज, आपको अभी कुछ नेक्स्ट वाला कौन सा डीआईवाई चाहिए, आपको कौन सा नेल आर्ट चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लाऊं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कौन किस टॉपिक पे चाहिए। तो अभी हमारा नेल्स अभी हो जाए, तो अभी हमारा देखो कुछ इस तरह का थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है बबल, आप देख सकते हो। अभी हम इसको धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर देंगे। एक वेस्ट टिश्यू लेके इसके ऊपर से हल्के हल्के हाथ से बबल को ऐसे ले लेंगे ताकि इफेक्ट को बिगड़े नहीं। एंड टिश्यू से एकदम से हल्के से जो भी ऊपर कैसे वाटर वाटर तो क्लीन है। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे बबल का इफेक्ट हो चुका है। तो अभी हमारा जो बबल इफेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो अभी जो ये साइड साइड पे है ना, जो थोड़ा सा हमको गैप दिख रहा है, तो हम इसको भी हाइड करने के लिए थोड़ा सा नेल आर्ट इसमें कर देंगे ताकि हमारा जो वैसे थोड़ा सा भी खराब ना लगे नेल्स। ओके, तो मैंने यहाँ भी एक ग्लिमर की ग्लिटर वाली टॉप कोट वाली नेल पॉलिश ली है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इसको लेके हम इस साइड वाले पोर्शन पे रखेंगे। आपको पूरे में नहीं लगाना है, जस्ट एकदम अंदर की तरफ ही इस तरह से। अब चाहो तो आप थीम ब्रश से भी यूज कर सकते हो ताकि ग्लिटर ग्लिटर ही आ पाए। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा फिनिशिंग लग रहा है। आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो हमारा नेल आर्ट होके बन के हो चुका है रेडी। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ओके, बाय।